आरटीपी पढ़ी है तो मैं कहूंगा कि तुम मॉक टेस्ट पढ़ो, आरटीपी फिर से दोबारा पढ़ो। अगर तुमने एक पेपर सॉल्व किया तो मैं कहूंगा कि तुम दो पेपर सॉल्व करो। तो अगर तुमने ये कहा मुझे कि मेरी रिवीजन हो गई तो मैं तुम्हें ये कहूंगा कि तुम दोबारा रिवीजन करो, बिकॉज ये समय ना गाइस फिर से नहीं मिलने वाला है। बाद में तुम ही वो लोग होते हो जो बोलते हो कि एक दिन एग्जाम से पहले कि शायद मुझे और एक दिन मिल जाता ना तो ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता था। Hello everyone, guys, this video is really very important for the CA foundation, CA intermediate or CA final के students के लिए, जो भी अभी exams को attempt करने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही important video है। मैंने बहुत जल्दी ये video बनाने की कोशिश की after this postponement of the exams again, because I just had a normal call with my cousin, correct? उससे मैंने बात की और मैंने उसको पूछा कि तुम्हारी सीए फाइनेंस की पढ़ाई कैसे चल रही है। तो उसने मुझे कहा कि भैया काफी ज्यादा बोर हो रहा है मुझे। एंड आई वाज शॉक्ड बाय हियरिंग दिस सेंटेंस दैट कि मुझे बोर हो रहा है। व्हाट आई हर्ड दिस नेक्स्ट सेंटेंस फ्रॉम हर वाज कि अभी बहुत कुछ पढ़ लिया हमने, बहुत रिपीटेशन हो रहा है, एंड द नेक्स्ट वर्ड वॉज अगेन कि वो माहौल नहीं हो रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय माहौल? मैंने उसे पूछा, तब उसने मुझे कहा कि भैया लाइब्रेरी में जब जाते हैं तब वो लाइब्रेरी में माहौल होता है, कंपटीशन होता है, सब लोग पढ़ते होते हैं, एंड उस माहौल में पढ़ाई करने का कुछ मजा ही अलग होता है। आई अग्री विद दैट कि माहौल होता है, करेक्ट। बट तुम्हें उसने ये भी कहा कि घर पे भी सब लोग हैं, हम लोग गेम्स खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, रामायण चल रहा है, महाभारत चल रहा है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, और उस सबके बीच में स्टडीज को कहीं ना कहीं पे थोड़ा हम लोग लैग कर रहे हैं अभी पीछे। लेकिन मैंने उससे ये पूछा कि तुम्हें वो नहीं दिन याद कि जब तुम इंस्टा पे पोस्ट करते हो, व्हाट्सएप के मैसेजेस चेक करते हो, यूट्यूब पे जाते हो, या फिर कोई स्टोरीज पढ़ते हो, फोन पे बात करते हो, चैटिंग करते हो, वो टाइम तुम्हें याद नहीं आता है क्या? तुम उस पे भी टाइम पास करोगे, तुम्हें माहौल भी चाहिए। दिस इज नॉट द रीजंस। जस्ट वन थिंग दैट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ऑल दिस इज कि तुम सीए को मस्ती में मत लेना गाइस, बिकॉज सीए करते करते ना पूरी लाइफ तुम्हारी सारी चीजें छूट जाती है तुम्हारी जब तक तुम सीए करते रहते हो। यस, तुम्हारा तुम्हें ये याद नहीं होता है कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इकोनॉमी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, मोदी जी कब लाइव आने वाले, केजरीवाल ने क्या कहा, राहुल गांधी क्या अपोज कर रहा है, ये कुछ भी याद नहीं होता है तुम्हें। तुम पूरी दुनिया से अलग हो जाते हो और उस चक्कर में तुम बाहर की दुनिया से भी अलग हो जाते हो और तुम खुद को इतना सेपरेट कर देते हो इस लाइफ से कि ये बार बार तुम्हें इससे लड़ना पड़ेगा अगर तुम आज ये 6 महीने पढ़ाई नहीं करोगे तो। गेटिंग? और एक चीज जो बहुत ही मुझे अजीब लगती है, तभी को यही बस तुमने सुना है कि सीए लाइफ बना देगा, करेक्ट ना? और हम लोग बस इसी सेंटेंस को सुन के हम लोग यही सोचते रहते कि यार सीए तो लाइफ बना देगा, बट तुम्हें ये किसी ने नहीं कहा कि अगर सीए नहीं बने तो क्या होगा। गेटिंग? तुम अगर सीए नहीं बनते हो तो कितने चैलेंजेस तुम्हें उसको साथ लेके चलने, तुम्हें यह भी नहीं पता। गेटिंग? शायद मेरा इस तरीके से बोलना तुम्हें गलत लगेगा, ये तुम्हारा टाइम है, ये तुम्हारी एग्जाम है, ये तुम्हारा मोबाइल है, तुम्हारा इंस्टा है, तुम्हारा ये यूट्यूब है, बट शायद गाइस ये बोलना मेरा गलत लगेगा, बट मैंने ये सुना है कि यार कितना पढ़े सर, कितना पढ़े, बार बार पढ़ के हमें बोर हो रहा है। अगर यही तुम्हें है तो मैं फिर से कहूंगा कि अगर तुमने बहुत पढ़ाई की है तो फिर से पढ़ो। तुमने अगर आरटीपी पढ़ी है तो मैं कहूंगा कि तुम मॉक टेस्ट पढ़ो, आरटीपी फिर से दोबारा पढ़ो। अगर तुमने एक पेपर सॉल्व किया तो मैं कहूंगा कि तुम दो पेपर सॉल्व करो। तो अगर तुमने ये कहा मुझे कि मेरी रिवीजन हो गई तो मैं तुम्हें ये कहूंगा कि तुम दोबारा रिवीजन करो, बिकॉज ये समय ना गाइस फिर से नहीं मिलने वाला है। बाद में तुम ही वो लोग होते हो जो बोलते हो कि एक दिन एग्जाम से पहले कि शायद मुझे और एक दिन मिल जाता ना तो ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता था, शायद मुझे 1 महीना ज्यादा मिल जाता ना तो मेरा ये जो मैंने 20% जो सिलेबस छोड़ा है ना वो भी मैं पढ़ लेता था, शायद और एक दिन भी ज्यादा मिल जाता था तो आई वुड हैव कंप्लीटेड each and everything। guys, reasons हजारों होंगे guys तुम्हारे पास छोड़ने के लिए, लेकिन सिर्फ वो एक reason चाहिए तुम्हें कि तुम्हें क्यों करना है ये CA। just that one single reason that why you started, think of it and yes you have to keep going। ये बताना इससे फायदा किसका होने वाला है,
इससे फायदा भी तो तुम्हारा ही है। आई वुड से दैट स्टे हंग्री स्टे फुलिस्ट। मुझे इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, ना ही तुम्हारे फ्रेंड्स को इसका फायदा मिलने वाला है। और अगर तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें बार बार मैसेज कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि मोबाइल बंद कर दो। अगर वो फ्रेंडशिप तोड़ देते हो तो मैं कहूंगा कि वो अच्छा है, बिकॉज शायद वो कल तुम्हें छोड़ के जाने वाले थे तो वो आज ही चले गए। तुम्हें इस बार सिर्फ और सिर्फ तुम्हें खुद का सोचना होगा। गेटिंग? और हम लोग वो कहते हैं ना कि अगर हम लोगों ने 2-3 लोगों 5 लोगों को अगर हम लोग बोल देते हैं कि यस आई एम गोइंग टू क्रैक दिस अटेम्प्ट, और हम लोग किसी को कमिट कर देते हैं, तो फिर वो प्रेशर होता है हमें वो चीज़ पूरी करने का। तो यस आज तुम्हें अगर लगता है कि यस आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम, आई एम गोइंग टू स्टडी वेरी सिंसियरली, आई एम गोइंग टू क्रैक दिस अटेम्प्ट, ईच एंड एवरी वन, अगर तुमको लगता है और अगर तुम्हें लगता है कि जब तुम किसी को कमिट करते हो तो वो पूरा ही करते हो, तो कमेंट करो इस पर। कमेंट करना तुम नीचे कि आई एम गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम एनी हाउ, एंड देन यू हैव टू स्टिक बाय इट, क्योंकि तुमने पब्लिकली किसी को कमेंट कर दिया है कि यस आई एम गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम। सो दिस इज योर टेस्ट गाइस, एंड दिस वुड बी अ टेस्टिंग टाइम। गॉड इज टेस्टिंग योर पेशेंस ओवर हियर, एंड यस ये एग्जाम्स ऑलवेज टेस्ट द पेशेंस ऑफ स्टूडेंट्स। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, यू हैव टू बी वेरी फर्म, यू हैव टू हैव द डिजायर फ्रॉम इनसाइड दैट यस आई एम गोइंग टू क्रैक दिस अटेम्प्ट एनी हाउ।